प्यार बेटा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको सिखाएंगे, आपने जो मेरा वीडियो का स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा, इस तरीके का वीडियो बनाना सिखाएंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, इस तरीके का वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, और इसमें लाइक भी बहुत ज़्यादा मिलने का चांसेस होते हैं और लाइक मिलता भी है। तो आपको पूरा स्टेप वाइज स्टेप करके इस वीडियो में आपको सिखा देंगे कि इस तरीके का वीडियो आप कैसे बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनीत और स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल प्रेस कीजिए, ताकि मेरे इस चैनल पर जो भी वीडियो है, ट्रेंडिंग VFX, ट्रेंडिंग वीडियो, ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल, ट्रेंडिंग ट्रांजेक्शन, जो भी वीडियो है, सबसे पहले टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे भी है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं। अब चलिए वीडियो को स्टेप बाई स्टेप करके आपको बताते हैं और आपको सिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं स्मार्टफोन का काइनमास्टर एप्लीकेशन में। काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक करके 9:16 का रेशियो यहाँ से ले लेंगे। सबसे पहले आपको मीडिया सेलेक्शन करना है। मीडिया सेलेक्शन कर लेने के बाद दोस्तों, आपको उस वीडियो को लेके आना है जिस वीडियो के ऊपर आप ये बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वो वीडियो है जिसके ऊपर हमको वीडियो बनानी है। देख लीजिए, कुछ इस तरीके का ये वीडियो है। तो आप इसमें सीढ़ी पे बैठ के या ऐसे करके बैठ के या वैसे करके बैठ के किसी से भी कैसे भी बना सकते हैं, जहाँ से आप लड़का लड़की का वीडियो आता है। ये वीडियो बनाना बहुत ही आसान दोस्तों है, बहुत ही बिल्कुल आसान है इस वीडियो को बनाना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लड़की हो रहा है, वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो आप सीजर पे जाएंगे और यहाँ से स्प्लिट एंड प्लेहेड करके बीच से काट लेंगे और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो लेयर पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपना वीडियो लगाने के लिए दोस्तों आपको मीडिया पर फिर से जाइए। मीडिया पर जाने के बाद, कैमरा सेक्शन पर जाने के बाद, आप जो वीडियो एक शूट किए हैं, कुछ इस टाइप का वीडियो शूट कर लेंगे। शूट करके जितना सेकेंड का ये वीडियो है जैसे आप दिखाना चाहते हैं, तो उतना दूर का वीडियो आप ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से इतना ट्रिम करके ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, बहुत ही आसान है इस वीडियो को बनाना, ये सब वीडियो बनाना बहुत ही सबसे आसान यही सब वीडियो बनाना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, उस सॉन्ग को फिर से लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आधा सॉन्ग हम काट दिए हैं, तो यहाँ से आधा कम हो गया होगा। तो क्या करेंगे, उस सॉन्ग को फिर से लेके आने के लिए दोस्तों फिर मीडिया पर जाएंगे। मीडिया पर जाने के बाद लेयर पर जाएंगे, मीडिया को सिलेक्ट करेंगे। मीडिया सेलेक्ट करने के बाद फिर से उस सॉन्ग को लेके आ जाएंगे जिस सॉन्ग के ऊपर आप ये वीडियो बनाए हैं। ठीक है, दिल गलती कर बैठा है गाना का नाम है, तो ये वाला यहाँ से गाना लेके आने, वीडियो लेके आने के बाद एक्सेप्ट ऑडियो करेंगे तो आपको ये गाना नीचे आ जाएगा, वीडियो ऊपर आ जाएगा। तो फिर यहाँ से वीडियो को यहाँ से डिलीट कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपका गाना जो है कम है, वीडियो ज़्यादा लग रहा है, तो अपना वाला वीडियो को थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेंगे, मतलब फास्ट कर लेंगे, तो आपका वीडियो ये छोटा हो जाएगा। और ये वाला, ये जो बीच में जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगा दीजिए तो काफ़ी अच्छा तरीका से ये लगेगा। देखिए, ऐसे करके लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आपको ये वीडियो को बढ़ाना है, क्योंकि साउंड आप देख लीजिए कि साउंड जो है मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कम हो गया है। अब यहाँ से हम ओके करते हैं। अब आपको मैं प्ले करके गाना को सुनाता हूँ, देखिए कितना अच्छा तरीका से ये लग रहा है, जैसे ये बुला रहा है वैसे ये दौड़ के आ रहा है, और ये काफ़ी अच्छा तरीके से चल रहा है दोस्तों। और ये इस वीडियो को बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छा से समझ पाए होंगे, क्लियरली समझ पाए होंगे, और अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, सेटिंग वाला ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से ऑडियो फेड आउट को ऑफ करेंगे। उसके बाद यहाँ से ओके कीजिए, फिर शेयर वाला ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपका ये वीडियो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, जय माता दी, जय हिंद।